हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनिसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और बिल्कुल नया टॉपिक जो कि कुछ हद तक हमारी पढ़ाई से हटकर है। तो जैसा कि सभी को पता है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और उनका केस सभी लोग न्यूज़ पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो वैसे तो वो केस मेरे चैनल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स की बात आती है तो समझ लीजिए कि हाँ वो मेरे चैनल से रिलेटेड हो सकता है। तो अभी जैसे कि बीच में खबर आई कि जो रिया चक्रवर्ती है वो ड्रग स्मगलिंग से में इन्वॉल्व है, और MDMA नाम के ड्रग को वो लोग ले रहे हैं, इस टाइप से कुछ खबर आ रही थी जो कि अभी क्लियर नहीं हो पाई। तो कई लोगों को जानना है कि आखिर ये MDMA है क्या, और उसको लेने से क्या हो रहा था, और अगर वो सुशांत ने लिया तो उनको उससे क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैं बताने वाली हूँ आपको कि ये MDMA है क्या, इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये यहाँ पर बैन है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊँगी हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। तो MDMA का फुल फॉर्म जो है वो होता है 3,4-मिथाइलिन डाई ऑक्सी मिथा एम्फेटामीन। ये जो है इसका एक पूरा फुल फॉर्म है। ये एम्फेटामीन के क्लास का ड्रग है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूटेड एम्फेटामीन है, और ये एक हेलुसिनोजन है। हेलुसिनोजन मतलब जिसको लेने से आपको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, और ये एक न्यूरोटॉक्सिन भी है एक तरीके से। ये आपके CNS के लिए टॉक्सिन का काम करता है, और इसका जो कंजम्पशन है वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो क्यों ये हम जानते हैं आगे। तो जैसा कि इसका नाम है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक 6-मेंबर्ड रिंग है जिससे एक डाइऑक्सी कंपाउंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से इसका ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ कि ये है क्या, तो इसको एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मॉली भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। मीन्स जैसे एक प्लेजर मिलता है इसके कंजम्पशन से, ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के सब दुखों को छोड़ गए। जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपको स्टार्टिंग में लगता है, कुछ वैसा ही इससे एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है, हैप्पीनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए लोग बाग एज ड्रग इसका यूज़ करते हैं, और जबकि ये है एक हेलुसिनोजन और न्यूरोटॉक्सिन भी है, और जबकि ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलीगल है। सबसे पहले इसको सिंथेसाइज़ किसने किया था, 1912 में इसको सिंथेसाइज़ किया था कंपनी मर्क ने। वहाँ पर भी एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन, उन्होंने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज़ किया था। और उस टाइम पर ये प्रिकर्सर की तरह यूज़ होता था कई ड्रग्स के, जैसे कि कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती थी, उनके प्रिकर्सर की तरह इसको यूज़ करते थे। लेकिन अब इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए इसको इलीगल बता दिया गया। ये इलीगल हो गया है क्योंकि एज ड्रग यूज़ करने लगे हैं लोग। और अगर मैं बात करूँ इसकी फार्माकोलॉजी की, तो ये हमारे बॉडी में ऐसा जो इफ़ेक्ट है वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये सेरोटोनिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है। सेरोटोनिन का रिलीज़ इंक्रीज़ होने से आपका मूड जो है वो स्टेबलाइज होता है, स्लीपीनेस फील होती है आपको, और हैप्पीनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अलावा सेरोटोनिन के ये डोपामीन और एसिटाइल कोलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनके लेवल्स को भी इंक्रीज़ करता है। और डोपामीन को तो आप जानते ही हैं वो हैप्पीनेस हार्मोन है, तो वो आपके हैप्पीनेस लेवल को एकदम बढ़ा देता है। और एक प्लेजर वाली कंडीशन में आप पहुंच जाते हो, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है, तो इसलिए लोग आप उस अच्छी अच्छी फीलिंग के लिए इसको लेते हैं एज ड्रग। और जो पार्टीज़ होती हैं क्लब पार्टीज़ रात में, वो उन सब में इसका इलीगल कंजप्शन किया जाता है। और फिर अगर मैं बात करूँ कि ये कितने देर में काम करने लगता है बॉडी के अंदर, तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो उसको हम बोल सकते हैं 30 से 45 मिनट का रहता है, मतलब इतनी देर में ये काम करना शुरू कर देता है। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ये कितनी देर तक आपके बॉडी में असर करता है, तो 5 से 6 घंटे तक ये आपकी बॉडी में असर करता है। इसका क्रिस्टलाइन पाउडर टैबलेट या कैप्सूल के थ्रू लिया जाता है।
अगर मैं बात करूँ उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, तो क्या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं? सबसे पहले चीज़ तो ये एडिक्शन हो जाता है इसका। इसका एडिक्शन हो जाने से क्या होगा कि आपको इसकी लत लग जाएगी और बार बार आपको इसको लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है मेमोरी प्रॉब्लम, जिससे आपको जो आपकी याददाश्त है वो ख़राब होती है। और फिर इसके बाद में आपको स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है, टीथ ग्राइंडिंग होने लगती है, आपका विजन जो है वो काफ़ी ब्लर्ड हो जाता है। और इसके अलावा हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और पैरानोइया होता है। जो पेशेंट होते हैं वो पैरानोइड टाइप की हरकतें करने लगते हैं, और मींस एक्चुअली उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, इसलिए उनको कुछ भी दिखना सुनना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर ये इतना ही बुरा है हमारे लिए, तो क्या इसका कोई मेडिकल यूज़ है? तो नहीं, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिकल यूज़ अब नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ रिसर्च कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में यूज़ हो सकता है और हो रहा है, बट इसको ऐसे अभी प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं लाया गया है। तो अगर यंगस्टर्स या जो भी इसको ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर उन्होंने रिया चक्रवर्ती और सुशांत ने भी इसको लिया था, तो मीन्स ये उनके लिए अच्छा नहीं था। और अगर ऐसी ही किसी ड्रग के बारे में आपको जानना हो, जैसे कि उनके केस में एमिट्रिप्टलीन, क्यूटिपीन, ऐसी ड्रग्स का भी जो है बीच बीच में जिक्र किया गया है, तो अगर आपको उन ड्रग्स के बारे में भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे इस चैनल पर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ देखनी हैं और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ड्रग्स से रिलेटेड, तो जुड़े रहिए मेरे इसी चैनल पर, जिसका नाम है एडिल्यूमिनिसेंस। Thanks for watching.